तो भाई फाइनली अपना टैंक खुल चुका है और अमित भाई बता रहे हैं कि इसके फ्यूल पंप में ही इशू है, तो देखते हैं आज क्या सीन होगा। गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो भाई आज संडे और मैं आ रहा था संडे राइड से, तो बाइक में आ चुकी है बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम, आपको पता ही चल रहा होगा, देख लो थ्रोटल देते ही बाइक बंद हो रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये देखो भाई, मतलब बाइक पूरी बंद हो रही है जैसे ही थ्रोटल दे रहा हूँ ना, देखो क्या खतरनाक। तो मतलब बड़ी प्रॉब्लम दे रही है, और ये प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ सबसे पहले हुई थी जब मैं लद्दाख करके वापस आ रहा था ना, तो जैसे ही जिस पर हम पहुँचे तो मैंने जेरी कैन में से फ्यूल डाल दिया था और उसके नेक्स्ट डे ही बाइक भाई मिसिंग करना शुरू कर दिया था बाइक ने। और उसके बाद जब मैंने फ्यूल अप करवाया तो इतनी मिसिंग नहीं करी बाइक ने, और वहाँ पर मैंने पूरा नॉर्मल फ्यूल यूज़ किया था। देन उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने आते ही बाइक पेंट के लिए छोड़ दी थी और मैंने कहा थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन कर दो, लेकिन उस टाइम इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीन नहीं हो पाई क्योंकि मैंने इसका थोड़े दिन पहले एयर फिल्टर चेक किया था, और उस टाइम बाइक चली हुई थी 27,000 किलोमीटर और अब चली हुई है 29,998 किलोमीटर, मतलब 30,000 किलोमीटर चलने में बस 2 किलोमीटर रह गए हैं। और अभी 2-4 दिन से बाइक इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी तो मैं फ्यूल थोड़ा ज़्यादा रख रहा था, क्योंकि मेरी एक राइड आने वाली है अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही, तो मैं सोच रहा था जब मैं सर्विस करवाऊंगा तो करवा लूँगा, लेकिन आज ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा होगी। और मेरे को लग रहा था कि भाई लो फ्यूल पे करिए तो इसमें फ्यूल पंप में कोई इशू होगा, लेकिन मेरे को लग रहा है कि एक तो इसके फ्यूल पंप में बहुत ज़्यादा कचरा आ गया है फ्यूल टैंक में, एंड बाइक चल चुकी है 29,999 किलोमीटर, तो एक तो थ्रोटल बॉडी इसकी पूरी चोक हो चुकी है, उसी के साथ इसका जो फ्यूल पंप है उसमें कचरा आया हुआ है। तो भाई मेरे को मेरा प्लान ये था कि मैं इस बाइक को करवाऊंगा सर्विस, तो फिर आज मैंने सोचा कि वापस तो चल रहे हैं, एक बार मोटो पिट गैराज पे इसको दिखा देते हैं, पहले चेक करवाऊंगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं अच्छे तरीके से। और बाइक के जो आरपीएम है वो 5-6 हज़ार से ऊपर नहीं जा रहे, तो थ्रोटल बॉडी इसकी ख़तरनाक वाली चोक हो रखी है, और एक बार उनसे आइडिया ले लेंगे कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे। तो मैं आज तो नहीं करवाऊंगा क्योंकि आज तो वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है, तो कल या परसों मैं इसकी सर्विस करूंगा कंप्लीट। तो मैंने 2-3 जगह बात करी है, तो एक बार मोटो पिट गैराज पे भी एक बार चेक करा लेते हैं कि क्या सीन है, वो बता देंगे कि प्रॉब्लम क्या है, तो उस हिसाब से फिर नेक्स्ट स्टेप लेंगे। लेकिन यार बाइक आज बिल्कुल भी नहीं चल रही, सच बताऊँ आपको, मतलब बस हालत ख़राब कर रखी है, बाइक चल ही नहीं रही बिल्कुल। तो अब देखो बंद होगी बाइक, ये देखो वाओ, तो ऐसे ही लेके जानी पड़ेगी बाइक, अगर मैंने थोड़ा सा भी ज़्यादा इसका थ्रोटल दिया तो बाइक पूरी बंद हो रही है। अब तो कुछ ज़्यादा ही हालत डाउन होती जा रही है बाइक की। अरे यार ये देखो ऑटो वाले हो रही है ना, इधर घुसेड़ देते हैं, और अगर इंजेक्टर वगैरह ब्लॉक होते तो भाई फिर चाहे फ्यूल कितना भी हो तो प्रॉब्लम करते ही करते, लेकिन अब ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही हो कि कौन सी गाड़ी भाई। ये देखो अब तो मतलब इसने ऐसे ऐसी कर दी पूरी, एक बार चेक करवाने के बाद ही कुछ आप डिसीजन लेंगे भाई आगे, क्योंकि जिस हिसाब से रुला रही है ना मेरे को नहीं लगता ये ज़्यादा चल भी पाएगी। 30,000 कंप्लीट हो चुके हैं अपनी बाइक के वैसे, से मिल लेते हैं, काफी दिन बाद आया वैसे मैं। तो भाई फाइनली अपना टैंक खुल चुका है और अमित भाई बता रहे हैं कि इसके फ्यूल पंप में ही इशू है, तो देखते हैं आज क्या सीन होगा।
उस आज बोल रही होगी तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो अपना फ्यूल पंप इसका भाई निकाल के एक बार क्लीन करेंगे, देन उसके बाद देखेंगे कि क्या सीन है, क्योंकि बाइक बिल्कुल नहीं चल रही थी। अभी कितने की स्पीड पे गई होगी? 60 तक जाती है, उससे ऊपर नहीं गई ना? वो भी थोड़ी देर रुक गई थी ना ये बाइक, इसलिए गई है। ये जंग आ रखा है इसमें टैंक में। ये तो किसी की गाड़ी एक्सीडेंट हुई है या किसी ने कम खोल के रख रखा है। ऐसा तुम तुम्हारा कोई करोल बाग में मित्र हो जानने वाला हो इससे पूछ लेना, बाकी मैं पता कर दूंगा। इसका फिल्टर ना नहीं टैंड पार्ट नहीं देती है ना तुम्हें किसी का। तो गाइस फाइनली अपनी बाइक की जो थ्रोटल बॉडी है वो भी क्लीन हो चुकी है, अब सिंक्रोनाइज होएगी और उसके बाद सर्विस होएगी। फिर उसके बाद जो इसके फ्रंट ब्रेक्स है एक बार उनके कैलिपर और उसकी ब्रेक लाइन वगैरह चेक करवाएंगे प्रॉपर तरीके से, और बाकी अपना जो फ्यूल पंप का इशू था वो हो गया सही। तो भाई अपनी बाइक में इंजन फ्लश डल चुका है लिक्विड मोले का, और एक बार तो दिखा देता हूँ कितने 299। तो अभी थोड़ी देर बाइक स्टार्ट कर दिया ताकि प्लस अच्छे से अपना काम कर जाए, और उसके बाद इंजन ऑयल इसका ड्रेन हो जाएगा। थ्रोटल बॉडी क्लीन हो चुकी है और फ्यूल पंप इसका क्लीन हो चुका है, अब होएगी इसकी प्रॉपर सर्विस, फिर होएगी चेन लूप वगैरह, देन उसके बाद ब्रेक चेक करवाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे भाई कि कैसी क्या रिपोर्ट है बाइक की। बिल्कुल ख़त्म है। अरे बिल्कुल सर, कैसी बात कर रहे हो। चलो इसमें तो बोलना नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या बोलते हैं, चलो इसमें तो चलो ये मिला हुआ है इंजन प्लस, पर कंपैरेटिवली 7000 पूरी जिसमें 2000 तो एक्सट्रीम राइडिंग हुई है, इतना और उसमें तेल तेल के पर कच्चे उड़ जाते हैं, नहीं कितना सही निकला है तेल कंपनी में डाल के कभी देख लेना, कभी भी देख लेना। नहीं कोई नहीं, फिर आपसे ही करवाने मैंने तो सर्विस सारी। अरे बात मैं अपने आप जो मैंने तेल मैं वो बता रहा हूँ, मैंने अमित भाई से पूछा कि पुटोलिन या फिर लिक्विड मोली, इन्होंने कहा लिक्विड मोली है। हाँ तो भाई उससे ऊपर तो कुछ नहीं है, पुटोलिन थोड़ा गाढ़ा तेल है, वो जैसे मोटर फट जाता है ना किलोमीटर के बाद जल जाता है, पुटोलिन जलता है, लिक्विड मोली में वो नहीं होता क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे ही चलता है, हमने वैसे भी कई बार देखा है। क्योंकि अब की बार फिर लद्दाख करेगी ना ये, भाई लद्दाख नहीं तुम कर दो, इससे पूरा इंडिया भूटान नेपाल नॉर्थ ईस्ट जो करना है वो करो, बस एक बार ब्रेक सही हो जाए। मैं 7-8 दिन में आ गया था, 8-9 दिन में मिल जाएगी। जो पहले वैक्सीन लगवा ले यहाँ से, मैं नहीं जाना है। पूरा है इंजन ऑयल पूरा है इसका अमित भाई? मैं तो बाइक पे काम कर रहा हूँ, कंप्लीट निकला। मैंने टॉप अप किया था एक बार, मुझे अगले साल ले चलूंगा लगता है जहाज पे, मैं सिर्फ उनके साथ जा रहा हूँ बाइक। तो मोटा मर गया ना, पैसा भी देगा वो, कह रहा है 50,000 रुपये मान लिया। तो गाइस अपनी बाइक का ऑयल ड्रेन हो चुका है, ऑयल फिल्टर खुल चुका है, जैसे कि यहाँ से अमित भाई ने पूरा निकाल रखा है, और बाकी थ्रोटल बॉडी वगैरह क्लीन हो गई थी। तो अभी ना इसका ऑयल फिल्टर चेंज करके इसका ऑयल इसका टॉपअप होएगा, देन उसके बाद इसके ब्रेक्स खुलवाएंगे भाई, कैलिपर वगैरह चेक करवाएंगे कि प्रॉपरली वर्क क्यों नहीं कर रहे, देन उसके बाद जो चेन है चेन क्लीन और वैक्स होएगी, उसके बाद अपनी बाइक फुल सर्विस हो जाएगी और जो इसकी थ्रोटल बॉडी वो सिंक्रोनाइज होएगी, तो उसके बाद चला के देखेंगे फाइनली अपना भाई जो मिसिंग कर रही थी जो बाइक आज मैं लेके आया था
लिटरली ना बाइक 10 की स्पीड 12 की स्पीड से ऊपर नहीं जा रही थी, कचरा इतना गंदा निकला आपने वीडियो में देखा होगा। तो अभी देखते हैं भाई चला के कि क्या परफॉर्मेंस होती है बाइक की। तो देखते हैं, अभी 4 बज गए हैं लेकिन टाइम तो लगेगा ही। सुबह वैसे संडे राइड पे आए थे, 5 बजे मैं निकला था और शाम के भाई 4 बज गए हैं, अभी तो 1-2 घंटा और लगेगा। भाई मारुति की जो कार आती है ना उसमें सेम फिल्टर डलता है। कार्स में जो है ना मारुति की जितनी भी है पेट्रोल कार्स सेम है, फिटमेंट का अलग होगा चीज़। नहीं नहीं सेम है बिल्कुल, मेरे पास रखे हैं। मॉडल नंबर भी, मॉडल नंबर का नहीं बोल रहा मैं, लेकिन वैसे दिखने में और सारी चीज़ें सेम है। तो गाइज मैं आ चुका हूँ घर और आज है तीसरा दिन, यानी ट्यूसडे मैंने करवाई थी इसकी संडे को सर्विस। तो भाई उस दिन के बाद मैं ये वीडियो आज इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि भाई उस दिन मेरा जो फ़ोन है वो भी डेड हो चुका था, उसकी बैटरी डेड हो गई थी और जो GoPro है उसकी बैटरी भी भाई पूरी डेड हो चुकी थी। तो उसके बाद और मैं वर्कशॉप से निकला था शायद 7-7:30 बजे घर के लिए, तो उसके बाद आने के बाद मैंने कोई वीडियो वगैरह तो बना ही नहीं पाया मैं, वरना मैं अपना रिव्यू देता कि बाइक कैसी चल रही है। बट भाई बैटरी डाउन थी फ़ोन की भी और GoPro की भी, दोनों बिल्कुल बंद हो चुके थे, तो इसलिए फिर कल मेरे को टाइम नहीं लगा। तो मैंने सोचा भाई आज इसकी वीडियो कंप्लीट कर देते हैं। तो उस दिन भाई सीन ये हो रखा था कि जो अपना फ्यूल पंप है, जो फ्यूल टैंक में फ्यूल पंप है, तो उसमें उसका जो फिल्टर होता है वो पूरा चोक हो रखा था, जैसे कि आपने वीडियो देखी उसमें भाई पूरा ब्लैक ब्लैक निकला है, तो प्रॉपर तरीके से क्लीन हुआ। और ये सीन मेरा हुआ था सबसे पहली बार जब मैंने लद्दाख में आते हुए जिस्पा में मैंने जेरी कैन से फ्यूल डाला था, नेक्स्ट डे मेरी बाइक ने मिसिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये इतना चोक होता चला गया कि भाई अब नौबत ये आ गई थी कि बाइक है ना 10 की स्पीड से भी ऊपर नहीं जा रही थी लास्ट में। तो और जब मैं फ्यूल पहले सीन ये होता था, सबसे पहली बार मेरे साथ सीन ये हुआ जब मेरा फ्यूल लो होता था, मतलब इस पे रेड पॉइंट पे होता था तो मिसिंग करती थी, देन उसके बाद ऊपर होता था तो मिसिंग नहीं करती थी। लेकिन धीरे धीरे ऐसा सीन हुआ कि हाफ टैंक तक भी मिसिंग करने लगी, फिर धीरे धीरे ऐसा सीन हुआ हाफ से ऊपर थी जब भी मिसिंग करने लगी। संडे को ये हुआ कि हाफ टैंक से बिल्कुल ऊपर थी, काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, मतलब मेरे हिसाब से इसमें 75% फ्यूल था उसमें भी मिसिंग करने लगी थी, और जितना फ्यूल कम होते जा रहा था उसके बाद तो भाई बाइक चल ही नहीं रही थी। जब लास्ट में मैं इसको वर्कशॉप लेके गया था तो इसमें मेरे हिसाब से 3-4 लीटर फ्यूल था सिर्फ, और उसी में तो ये चल ही नहीं पा रही थी। और उसके बाद तो मतलब ये सीन होने लग गया था कि अगर 1-2 लीटर फ्यूल रह जाता तो चलती नहीं, क्योंकि भाई जो फिल्टर था वो उस पर वो मोटर प्रेशर नहीं बना पा रही थी, उस पर पूरा जोर पड़ रहा था और फिल्टर चोक था, जितना भी ज़्यादा फ्यूल होता वो फिल्टर से ऊपर रहता था जब बाइक चल जाती थी। तो हमने सोचा कि क्या पता भाई फ्यूल पंप ही ख़राब हो, लेकिन इसका काम चल गया और भाई अपना जो फ्यूल पंप का जो फिल्टर था वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो गया। उसके बाद इसकी हुई थ्रोटल बॉडी क्लीन खुल के और सिंक्रोनाइज करवाई हमने लैपटॉप से, बिल्कुल ओके हो गई थी। और उसी के साथ इसका इंजन ऑयल चेंज करवाया, मैंने सोचा कि भाई अब करवा रहे हैं तो एक ही साथ करवा लेते हैं, तो इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ, ऑयल फिल्टर भाई इसका चेंज हुआ, और जो इसका एयर फिल्टर है वो उसमें और थोड़ा सा ऑयलिंग हुई उसकी, मैंने उस दिन करी थी, एक दिन पहले करी थी उसको क्लीन करके, लेकिन वो थोड़ी सी कम करी थी मैंने जानबूझ के कि भाई ज़्यादा एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो अपने ब्रेक्स हैं ब्रेक्स क्लीन हुई, और उसी के साथ जो अपनी बाइक क्लच है क्लच का मैंने ये ऑयल चेंज करवाया, और इतना ब्लैक ऑयल निकला ना इसमें से आप सोच भी नहीं सकते। तो भाई पूरी मैंने ब्लीडिंग करवाई इसके ऑयल की, और जो अब की बार मैंने इसमें ऑयल डलवाया ना, एक तो नॉर्मल 0.4 इंजन ऑयल सॉरी ब्रेक ऑयल होता है वो, उसका प्राइस है भाई नॉर्मल का तो 80-90 रुपये 100 रुपये तक आ जाता है, लेकिन जो परफॉर्मेंस वाला था उनके पास वो था 500-600 रुपये का, और जो मैंने इसमें डलवाया है रेस वाला जो कि रेस ट्रैक पे बाइक्स में यूज़ होता है, तो वो था भाई 1000+ रुपये का, तो सिर्फ 250 ml 1000 रुपये प्लस का था, तो मैंने वही वाला डलवाया कि भाई देखो आज तक मेरे को पता नहीं था कि चेंज हुआ भी है या नहीं हुआ। और ब्रेक जो ब्रेक का मैंने कुछ ही दिन पहले चेंज किया था, आप देख सकते हो इसकी कंडीशन सही है, तो ये भी मैं चेंज करूँगा, खुद ही चेंज करेंगे और प्रॉपर तरीके से जो इसके ब्रेक लाइन्स हैं उनको ब्लीड करेंगे पीछे भी और आगे भी। और उसी के साथ में इसकी जो चेन है वो एडजस्ट हुई थी, ल्यूब हुई थी और वॉशिंग वगैरह हुई थी, तो मतलब बेसिक चेकअप सारा हो गया था। अब अपनी बाइक बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उस दिन चलाने के बाद जब मैं घर पे लेके आया ना भाई, तो भाई जब मैं उस दिन इसको लेके आया ना तो बाइक ने पूरा कैड आ दिया था, ऐसे खींचते हुए लेके आया ना, मतलब जो बाइक की परफॉर्मेंस थी ना वो आउटस्टैंडिंग थी भाई। मैंने उस दिन के बाद तो चलाई नहीं है, यहीं पर खड़ी है परसों के बाद,
तो जो मैंने सेकंड गियर में 180 तक लगाई और भाई क्या खिंचरी थी ना बाइक, मतलब देख के ही दिल खुश हो गया था कि बाइक क्या चल रही है, मतलब नेक्स्ट लेवल मज़ा आ गया। और अपनी एक राइड आने वाली जल्दी ही, मतलब 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगी, तो मेरे को सर्विस वैसे भी करवानी थी, बट ये जो फ्यूल पंप वाला काम था, थ्रोटल बॉडी वाला था, ये भी हो गया, अपना सारा काम कंप्लीट हो गया। खर्चा तो थोड़ा मोटा लगा, लेकिन कोई नहीं भाई, बाइक ओके हो चुकी है अपनी। बस अब छोटा सा काम रह गया कि इसके जो कैलिपर्स हैं उनको एक बार प्रॉपर तरीके से खुलवा के उनके पिस्टन वगैरह क्लीन करवाएंगे। मेरे को उनमें अभी भी थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि है कुछ प्रॉब्लम, तो एक बार चेक करवाएंगे वो अच्छे तरीके से आने के बाद राइड पे। लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि अपनी बाइक अब काफ़ी ज़्यादा मतलब सही हो चुकी है। ब्रेक्स के अलावा, ब्रेक्स भाई अभी ना 80% सही वर्क कर रहे हैं, 20% अभी भी प्रॉब्लम है। लेकिन मेरे हिसाब से वो उनकी जो कैलिपर की रिंग होती है ना, पिस्टन के पीछे रिंग लगी होती है, वो क्लीन होएगी, वो चेंज होएगी। एक तो भाई डस्ट वाली सील होती है, और एक बात होती है ऑयल सील, जिससे ब्रेक ऑयल लीक ना करे, तो वो मेरे हिसाब से वो खराब हो चुकी है। डस्ट वाली सील खराब हो गई है, जितना डस्ट जाता है इसके कैलिपर के अंदर, उसके बाद प्रॉब्लम करनी स्टार्ट करता है। तो डस्ट वाली सील चेंज करवाएंगे और बाइक अपनी हो जाएगी प्रॉपर बढ़िया। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, और एक इसकी जो एक्सेलेरेटर वायर है, वो थ्रॉटल वायर जो है, तो वो मैंने मंगवा दिया है, तो आने के बाद वो भी करवा लेंगे। तो अभी भाई इस वीडियो में था इतना ही। मेरे को लगा था कि भाई बाइक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, लेकिन भाई अपना काम चल गया, और मोटा खर्चा तो लगा, लेकिन इतना मोटा नहीं जितना मैंने सोचा था, बट ठीक है। अभी तो इस वीडियो में था इतना, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम गाइस। और अभी है ना अपनी एक राइड आने वाली है, व्लॉग बहुत मस्त आएंगे। मैंने यहाँ पे भाई ये लगा दिया है काउल के पीछे, जो गोप्रो लगाने के लिए इसका चिपका दिया मैंने, तो शॉर्ट्स आपको पता है कैसे आने वाले हैं, तो राइड होगी मस्त। और अब की बार ड्रोन शॉर्ट्स वगैरह सब आएगा, मतलब प्रॉपर तरीके से शूट होगा, तो सारी चीज़ आपको दिख जाएंगे। व्लॉग्स जो आएंगे वो नेक्स्ट लेवल आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।